तो अर्ली चेंजेस में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था चेंजेस इन दी आईज एंड चेंजेस इन द स्किन नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर मेजर साइन विच इज द कूलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे क्योंकि ज्ञान तो आखिर बांटने से ही बढ़ता है सो बेसिकली एल्गर एंड मोर्टिस आर टू डिफरेंट लैटिन वर्ड्स एल्गर का मतलब होता है कोल्डनेस एंड मोर्टिस मीनस ऑफ़ डेथ एंड डाउलर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डेथ को कन्फर्म करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को कंसिडर किया था अब होता क्या है कि आफ्टर डेथ बॉडी हीट लूज होना स्टार्ट होती है और यह टेम्परेचर तब तक लूज होता है जब तक कि बॉडी टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तो बेसिकली एल्गर मोटिस फॉलोज द लॉ ऑफ एक्यूलिवियम अब यहाँ जो टेम्परेचर की बात हो रही है ये सिर्फ आउटर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही यहाँ पर इनर कोर टेम्परेचर को भी कंसिडर किया जा रहा है एंड इट इज ऑब्जर्व दैट आउटर टेम्परेचर फॉल्स मोर रैपिडली देन द इनर कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी टेम्परेचर लूज क्यों हो रहा है सो द आंसर इज वेरी सिंपल लिविंग बॉडी में लगातार एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता रहता है एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाई द ए टी पी जनरेटेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स और इस एनर्जी का 60 परसेंट यूज होता है बॉडी हीट प्रोडक्शन में टू मेंटेन मेनटेन बॉडी टेम्परेचर बट आफ्टर डेथ एनर्जी फॉर्मेशन बंद हो जाता है एंड इसके कारण बॉडी टेम्परेचर लूज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये था पहला रीज़न दूसरा रीज़न है इन एक्टिविटी ऑफ द हीट रेगुलेटिंग सेंटर दरअसल ह्यूमन ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस है है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट रेगुलेशन लेकिन इमीडिएट चेंज में हमने देखा था कि एंड ऑफ ब्रेन फंक्शन हो जाता है जिसके कारण हाइपोथेलमस इनएक्टिव हो जाता है और इसी वजह से बॉडी टेम्परेचर लूज होने लगती है नाउ द लॉस ऑफ हीट अकर्स इन थ्री फेजेस फर्स्ट वन इज आइसोथर्मिक फेज जिसमें पहले एक से दो आवर तक देर इज नो लॉस ऑफ हीट ड्यू टू स्किन थिकनेस एक से दो घंटे तक स्किन हीट को ट्रैप करके रखती है देन सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट फेज सम आवर्स आफ्टर डेथ द फॉल ऑफ टेम्परेचर एट द इनर कोर ऑफ द बॉडी अचीव अस्टेंट पैटर्न एंड एट लास्ट कम्स दर्मिनल फेज वेदरेचर ऑफ द बॉडी कम्स इन एक टेम्परेचर एंड द हीट लॉस बिकम्स ग्रेजुअली लो अब मैं इन फेजिस को ग्राफ के थ्रू इलेबरेट करता हूं तो ये जो ग्राफ है इसमें आप जो एक्स एक्सेस देख रहे हो ये डिनोट कर रहा है टाइम इन आर्स एंड जो वाई एक्सिस है ये कर रहा है टेम्परेचर अभी जो कर्व देख रहे हो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व या आप कह सकते हो इनवर्टेड एस सेव्ड कर्व अब जो इनिशियल प्लेटू इंडिकेट करता है आइसोथर्मिक फेज द मिड पार्ट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट फेज एंड लास्ट पार्ट ऑफ द करव इंडिकेट द टर्मिनल फेज अब इस कर्व की हेल्प से अप्रोक्सीमेट टाइम सिंस लेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्गरमोटिस सो द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कम होगा बेसिकली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाउ सेकेंड इज एयर मूवमेंट तो जितना ज्यादा एयर मूवमेंट होगा उतनी ही तेजी से बॉडीली फ्लूइड्स इवेपोरेट होंगे और उतना ही क्विक फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा थर्ड इज ह्यूमिडिटी सो कूलिंग इज मोर रैपिड इन ह्यूमिड क्लाइमेट एंड फोर्थ इज मीडिया ऑफ डिस्पोजल मतलब किस मीडियम में बॉडी है तो अगर डेड बॉडी वाटर में है तो कूलिंग जल्दी होगा एंड लेट इन ब्यूरिड बॉडीज नो फिफ्थ इज बिल्ट ऑफ कैडेवर तो ओबेस बॉडीज जिसमें फैट ज्यादा होती है वो स्लोली कूल cool होती है क्योंकि बॉडी फैट हीट को ट्रैप कर लेता है सिंस बॉडी फैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट नो सिक्स इज एज सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज मोर इन चिल्ड्रन एज कंपेयर टू एडल्ट क्लोथिंग भी एलग्रे मोटर्स को कहीं कही ना कहीं अफेक्ट करती है अब एक टर्म है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी बेसिकली इसमें कूल cool होने के बजाय बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है फॉर द इनिशियल टू आवर्स हो मतलब उल्टा फेनोमेना अब इसके कोई कई कारण हो सकते हैं अगर डेथ इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से हुई हो तो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं अगर डेथ हीट स्ट्रोक से हुई हो तो भी हीट रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है बॉडी की या तो अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर ही हाई है तो डेड बॉडी कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है एनवायरमेंट से तो ये कुछ फैक्ट्स रिलेटेड थे रिलेटेड टू एल्गर मोटिस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिवर मोटिस यानी डिस्कलेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय गाइस